हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भ्रष्टाचार कमीशन खोरी और केंद्र के धन की बंदरबांट का खेल बनाकर रख दिया SPMRM योजना को देवल। 15वीं विधानसभा के 7वें सत्र के 22वें दिन प्रश्नकाल में केंद्र सरकार द्वारा संचालित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबरन मिशन योजना के निर्माण कार्य में हुए भारी भ्रष्टाचार से संबंधित तारांकित प्रश्न पूछकर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल ने कहा कि मेरा तो मूल प्रश्न ही ये था कि पुरानी DPR में शामिल कार्यों को हटाकर उनके स्थान पर संशोधित DPR में नए काम किसके कहने से और क्यों शामिल किए गए, जबकि पहली वाली DPR में जो काम थे वो योजना के मूल उद्देश्य आजीविका विकास एवं कृषि आधारित कार्य थे, जिससे लोगों को स्वरोजगार मिले और क्षेत्र में कृषि का विकास हो। लेकिन उन सभी कामों को हटाकर संशोधित DPR में केवल और केवल भ्रष्टाचार कमीशन खोरी और केंद्र सरकार के धन की बंदरबांट वाले कार्य जैसे CC खरंजा निर्माण, स्मार्ट क्लास रूम निर्माण आदि को शामिल किया गया। देवल ने बताया कि दुख की बात तो ये है कि उन कार्यों के निर्माण में भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया और निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त हुई। CC सड़क बनने से पहले ही उखड़ गई, क्लासरूम पूरा होने से पहले ही खराब होना शुरू हो गया। अधिकारियों ने जालौर जिले और खासकर रानीवाड़ा विधानसभा को लूट का अड्डा बना रखा है। देवल ने बताया कि मैंने कई बार निर्माण कार्य की जांच की मांग की, परंतु सिर्फ लीपापोती ही कर दी गई। आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। योजना केंद्र सरकार की है और पूरा इसके लिए 100% बजट केंद्र सरकार दे रही है। केंद्र सरकार के निर्देश है कि कार्य पूरा होने के बाद बिल वाउचर का भुगतान PFMS से किया जाए, अग्रिम राशि नहीं दी जाए। इसके बावजूद जुलाई 2019 से दिसंबर 2019 तक पंचायत चुनाव से ठीक पहले पंचायतों को अग्रिम राशि देकर लूट खसोट हुई। ये सब जानते हैं कि पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने पंचायतों में और वो प्रशासक कौन थे ये भी सबको पता है। देवल ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र की राशि जो जनता के विकास के लिए दी गई थी उसकी खुली लूट की आजादी दे दी। योजना अंतर्गत 105 करोड़ रुपए की राशि के काम होने थे, स्टेट नोडल अकाउंट में सारे पैसे जमा होने थे। 5 जुलाई से PFMS प्रक्रिया लागू होनी थी, जिसमें FTO के माध्यम से काम होने के बाद बिल वाउचर फिट होते, फिर संबंधित ठेकेदारों खातों में राशि का भुगतान होता। सारा का सारा पैसा राज्य स्तरीय खाते में आ गया। 10 जुलाई से दिसंबर 2019 के बीच बिना PFMS लागू किए भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत कामों की स्वीकृति जारी कर राशि एडवांस दे दी गई, जबकि पंचायत चुनाव होने थे। विधायक देवल ने बताया कि रिश्वतखोरी के कारण ग्रामीण विकास विभाग में ये नियम विरुद्ध काम हुआ। राज्य के खाते से पैसा FTO के माध्यम से जाना था, परंतु जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस खाते से राशि निकालकर पंचायतों को अग्रिम देने की अनुमति दे दी गई, जिसमें मोटा कमीशन लेकर सभी ने भ्रष्टाचार का खेल खेला। भारत सरकार से क्लस्टर का पैसा आया जिसे जिले को देना था, जिले को ना देकर थोड़ी थोड़ी राशि पंचायत समिति को दे दी। मंत्री ने इसकी राज्य स्तरीय अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर जांच कराओ, आप सदन में आश्वासन दो इसकी जांच होनी चाहिए और रिपोर्ट भी आनी चाहिए। देवल ने कहा कि अगर अभी निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो भाजपा सरकार आएगी, तब जांच कराऊंगा, लेकिन केंद्र सरकार का पैसा जिसने भी खाया है उसको छोड़ूंगा नहीं। इस पर मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया कि मैं इस मामले की जांच करूंगा। जागरूक टीवी की रानीवाड़ा से विद्यावर्धन माहेश्वरी की रिपोर्ट।